आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं और मैं आज मैं हूं जोधपुर से झुंझुनू। जोधपुर से झुंझुनू आने के लिए सबसे पहले नागौर बस जाती है, नागौर से फिर सीकर जाती है, सीकर के बाद में झुंझुनू जाती है। और ये इधर नागौर का जो बस स्टैंड है, रोडवेज बस स्टैंड वो है। और जोधपुर से बस आपको मिल जाती है रायकाबाग बस स्टैंड से, वहाँ से मिल जाती है। और वहाँ से 365 इसका जो किराया है, और वहाँ से किलोमीटर जोधपुर से करीब 70 किलोमीटर है झुंझुनू। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम झुंझुनू और दिखाते हैं वहाँ के। मैं तो पहली बार जा रहा हूँ वहाँ पर, सभी मेरे लिए अजनबी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम झुंझुनू और दिखाते हैं वहाँ के कुछ लोकेशन। तो फ्रेंड्स, यही बस है जिसे मैं जा रहा हूँ। अभी करीबन 7 बजे ही बैठा था मैं जोधपुर से, और देखते हैं अभी मैं कितने बजे तक पहुँचता हूँ और बताता हूँ मैं। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं नागौर से आगे डीडवाना, डीडवाना से आगे आता है दौलतपुर। तो ये बस थी, ये इधर बस है। तो इसमें दोनों ही टायर फूट गए थे, एक टायर पहले फूटा था और एक टायर बाद में जब चला रहे 5-7 किलोमीटर बाद में दोनों टायर फूट गए थे। तो बच गया यार हादसा होने से। तो ये देख लीजिए, ये पीछे बड़ी बस खड़ी है और ये टायर चेंज कर रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स, कितना टाइम लगता है और मुझे नहीं पता है कि मैं अभी कहाँ हूँ पर, लेकिन अगर आपको नहीं पता रहता है कि आप कहाँ हो, तो गूगल मैप होता है, एक मैप होता है, उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन सी जगह हैं। तो मैंने भी इसी तरह उस तरह किया था कि मैं कौन सी जगह हूँ। तो अगर आपको कहीं गुम हो जाओ या पर कहीं चले जाओ ऐसी जगह पर जहाँ आपको पता नहीं हो, तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं कि गूगल मैप होता है, उसमें आपको देख लेना है, लोकेशन आपको बता देगा आप कौन सी जगह पर हो। थोड़ा मैं आपको जो टायर फटे हैं वो मैं आपको थोड़ा मेरे बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए, अभी मैं आपको थोड़ा बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं झुंझुनू और अभी मैं वीडियो करीबन 4-5 दिन बाद में बना रहा हूं। वैसे मुझे यहां पर 4-5 दिन हो चुके हैं फिर बाद में बना रहा हूं। अभी मैं छत पे हूं और ये पीछे का व्यू जो झुंझुनू का है। मैं 7 बजे वहां से जोधपुर से बैठा था और करीबन पहुँच गया था 4:30 बजे। तो वो बीच में मेरे साथ वो बस का जो टायर था वो भी फट गया था, करीबन 45 मिनट उसमें भी लग गया था। फिर लेकिन पहुंच गया था मैं 7 से 4:30, यानी कि 9.5 घंटे मुझे यहाँ झुंझुनू पहुंचने में लग गए थे। झुंझुनू में हरियाणवी भाषा भी बोलते हैं थोड़ी बहुत, और जैसे अपन जोधपुर से नागौर आते हैं, नागौर से आगे आता है डीडवाना, डीडवाना पर जैसे
पता नहीं कौन सी भाषा बोलते हैं, पर लेकिन मैं जब बैठा था सीट पे, बस की सीट पे, तो जो बैठने वाला आए तो उन्होंने बोला कि आसी, मतलब आसी का मतलब ये होता है कि जो डीडवाना भाषा बोलते हैं, या इस सीट पे कोई आ रहा है। तो जैसे जैसे अपन जैसे दूसरे जिले में जाता है, हर एक जिले में जाते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग भाषा ही बोलते हैं। जैसे अभी राजसमंद में मैं रहता हूँ, तो राजसमंद से भीलवाड़ा जाएंगे तो वहाँ पर भी कुछ और भाषा बोलते हैं। थोड़ी बहुत मतलब हर जगह चेंज होता ही रहता है। और झुंझुनू में यहाँ पर हरियाणवी भाषा थोड़ी मिक्स आती है, यहाँ से हरियाणा करीबन 85 कुछ ऐसा किलोमीटर होगा। फिलहाल मुझे यहाँ झुंझुनू के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, यहाँ पर देखने के लिए क्या क्या है। तो मुझे यहाँ 4-5 दिन तो हो चुके हैं, पर लेकिन मैं कभी कहीं घूमने तो नहीं गया हूँ। और यहाँ पर देखूँगा अभी क्या क्या घूमने के लिए है। वैसे पूछा था मैंने, तो बोल रहे थे यहाँ पर किला वगैरह तो नहीं है, और है कुछ देखने लायक तो ज़रूर जाएंगे और वहाँ का वीडियो ज़रूर बनाएंगे। वैसे बड़ा अच्छा लगता है कि यार नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए लोगों के साथ रहते हैं, तो अच्छा लगता है कि वो किस तरह रहते हैं, किस तरह की भाषा बोलते हैं, अच्छा लगता है। और अपने हमें भी कुछ सीखने को मिलता है जब नए नए लोगों से हम मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। और मेरा आने वाला जो वीडियो होगा, वो जोधपुर का जो किला है उसके वीडियो बनाया था मैंने, पर लेकिन अभी एडिट नहीं किया है, बहुत जल्दी एडिट करने वाला हूँ और वीडियो जल्दी बना दूंगा उसका मैं। और वैसे मेरे जो सब्सक्राइबर है 105 हो चुके हैं, पर लेकिन उसमें व्यूज़ नहीं आते। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उसको थैंक्स, और जो अभी मेरे चैनल पे नए आए हैं उनके उनको मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो पास में जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दे, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सब्सक्राइब कर देते हो, पर लेकिन आप घंटी नहीं बजाते तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, इससे आप मेरे वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट और ज़रूर करके बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।